दोस्तों, पीकेएल सीजन 9 का 14वां दिन भी खत्म हो गया है। 14वें दिन हमें 3 धमाकेदार मुकाबले देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 14वें दिन के तीनों मुकाबले की डिटेल्स जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें 14वें दिन के पहले मुकाबले की, जो यू मुंबा और बेंगलुरु बुल्स के बीच खेला गया, जिसमें यू मुंबा को 10 पॉइंट से हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों का स्कोर 32 और 42 था। दोस्तों, यू मुंबा अब तक 6 मुकाबले खेली है, 3 में जीत और 3 में हार मिलने के बाद इनके कुल 16 पॉइंट्स हैं, और इसी के साथ यू मुंबा पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर है। वहीं बेंगलुरु बुल्स के भी 6 मुकाबले हो गए हैं, 4 में जीत और 2 में हार मिलने के बाद इनके कुल 21 पॉइंट्स हैं, और इसी के साथ बेंगलुरु बुल्स पॉइंट्स टेबल में 3रे नंबर पर आ गई है। दोस्तों, बात करें 14वें दिन के दूसरे मुकाबले की, जो जयपुर पिंक पैंथर्स और तेलुगु टाइटंस के बीच खेला गया, जिसमें तेलुगु टाइटंस को 24 पॉइंट की बड़ी बढ़त से हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों का स्कोर 51 और 27 था। जयपुर पिंक पैंथर्स अब तक 6 मुकाबले खेल ली है, 5 में जीत और 1 में हार मिलने के बाद इनके कुल 26 पॉइंट्स हैं, और इसी के साथ जयपुर दबंग दिल्ली को पिछाड़कर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ गई है। तेलुगु टाइटंस के भी 6 मुकाबले हो गए हैं, 1 में जीत और 5 में हार मिलने के बाद इनके कुल 7 पॉइंट्स हैं, और इसी के साथ तेलुगु टाइटंस पॉइंट्स टेबल में 12वें स्थान पर है। दोस्तों, बात करें 14वें दिन के आखिरी मुकाबले की, जो हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया, जिसमें गुजरात जायंट्स को 4 पॉइंट से जीत हासिल हुई। दोनों टीमों का स्कोर 38 और 42 था। दोस्तों, हरियाणा स्टीलर्स अब तक 6 मुकाबले खेल ली है, 2 में जीत और 4 में हार मिलने के बाद इनके कुल 13 पॉइंट्स हैं, और वही हरियाणा स्टीलर्स पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है। बात करें गुजरात जायंट्स की, गुजरात जायंट्स के भी 6 मुकाबले हो गए हैं, 3 में जीत, 2 में हार और 1 में टाई मिलने के बाद इनके कुल 19 पॉइंट्स हैं, और इसी के साथ गुजरात जायंट्स पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर आ गई है। तो दोस्तों, पीकेएल सीजन 9 के 14वें दिन के तीनों मुकाबले आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।